नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई अनुराग नेहरा। साथियों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि कल जो लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर और फार्मासिस्ट और नेत्र सहायक की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आई थी साथियों, उसमें आप सब उसको लेकर के काफ़ी चिंतित हो। काफ़ी सुबह फ़ोन कॉल्स आए, मैसेज आए कि उनमें कम परसेंटेज वाले लड़कों का भी उस लिस्ट में नाम है। जैसे एक ARG में 42% का लड़का है जो EWS कैटेगरी का है, और जो पहले जो लिस्ट आई थी डॉक्यूमेंट की सूची, उसमें EWS की मेरिट ज़्यादा गई है और उसके कम में फिर भी उसका लिस्ट में नाम है। ऐसा ही फार्मासिस्ट में है, ऐसा ही लैब टेक्नीशियन वाले में है, OBC NCL कैटेगरी में जिनके परसेंटेज जो मेरिट जो ज़्यादा गई थी 49.29 गई थी, और जो कल जो लिस्ट आई थी उसमें 45 वाले का लिस्ट में नाम है। साथियों, उस चीज़ को लेकर के आप घबराओ मत, क्योंकि उन सब का नाम इसलिए है कि जो ग्रीवेंस का जो पोर्टल खुला था उसमें अपन से शिकायतें मांगी गई थी कि आपकी क्या शिकायत है। तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका कैटेगरी गलती से चेंज हो गया था और गलती से कैटेगरी चेंज होने पे उनका नाम नहीं आया। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रखा था लेकिन फिर भी उनका एक्सपीरियंस के जो बोनस अंक थे वो नहीं जुड़े थे। इन सब का यही मैटर है। मैंने आज सेपू में मैं जब गया, मेरी बातचीत हुई कि इनका ऐसे ऐसे कैसे नाम ले लिया, इससे कम परसेंटेज है, ये मेरिट में नहीं आ रहे फिर भी इनका नाम है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि इनका ये मैटर है, किसी की तो कास्ट सर्टिफिकेट है जो जाति है वो चेंज है। OBC NCL में तो है लेकिन वो किसी दूसरी कैटेगरी का है, हो सकता है वो MBC का हो। तो इन्होंने वहाँ आगे लिखा नहीं कि इसकी समस्या क्या थी। अब जो लिस्ट आएगी ANM की, उसमें ये लिखा हुआ आएगा कि इस कैंडिडेट की क्या समस्या थी और किस समस्या के कारण इसका रह गया था और अब दोबारा लिया गया। अब जो ANM और नर्सिंग ऑफिसर की जो लिस्ट आएगी उसमें पूरा लिखा जाएगा कि इसकी ये समस्या ये चाह रहा है, लेकिन इन चारों वैकेंसियों में ये लिखा हुआ नहीं था। इसकी वजह से अपन सब लोग चिंतित हैं कि ये क्या हो गया। इसलिए डरना नहीं है, विभाग गलती नहीं करेगा कि अपन सब उससे दुखी हो जाएं। उसका विभाग जवाब दे रहा है कि हाँ, ये हमने लिखा नहीं इनकी समस्या क्या है, लेकिन आने वाली जो दो लिस्ट है उनमें हम लिख देंगे। और अगर कल प्रोविजन लिस्ट में इनका दोबारा नाम आता है और ये जो 40 जैसे मान लो ARG में 42, EWS का प्रोविजन लिस्ट में 42 पे सिलेक्शन होता है, तब अपन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तब अपन आके खड़े हो सकते हैं। इसलिए साथियों, घबराइए मत, समय पे सारा काम होगा, आपकी प्रोविजन लिस्ट भी आएगी और ANM और नर्सिंग ऑफिसर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट भी आएगी और सबका जो योग्य है उनका वेरिफिकेशन भी होगा और सिलेक्शन भी होगा। धन्यवाद साथियों।